हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मौसम बदल रहे हैं और धीरे धीरे जो अर्बन गार्डनर होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, जिससे उन्हें कंटिन्यूस हार्वेस्टिंग मिलती रहे सब्जियों की। तो आज आप देखेंगे कि मेरे गार्डन से मुझे क्या कुछ मिलता है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं अपने पेठे की हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ, जिसको एश वर्ड भी कहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसे उगाने में कामयाब रही। ये काफ़ी भारी भरकम होते हैं और ये अभी और भी बड़े होंगे, लेकिन मैं इसे हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जहाँ पे लटका हुआ है ये मेरे प्लांट को भी शायद इसकी टहनी ना टूट जाए। मैंने इसे बांध के रखा हुआ है और मुझे लगता है ये 2.5-3 kg के करीब होगा अंदाजे से। तो मैं देखती हूँ, यहाँ देखिए मैंने इसे कैसे मैंने बांधा हुआ है। ये देखें, ये बोगनवेलिया की बेल पे चढ़े हुए हैं। ये मेरा प्लांट काफ़ी पुराना है और शायद ये इसका सपोर्ट ले पा रहा है, क्योंकि बहुत मोटी मोटी इसकी ब्रांचेस हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर मैं इन्हें छोड़ दूँ तो ये काफ़ी, अभी थोड़ा टाइम में मुश्किल से मुझे लगता है 10 दिन में काफ़ी बड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि आप मेरे बोगनवेलिया पे फ्लावर भी देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि इसकी ये ब्रांच टूटे। तो मैं अभी इसे हार्वेस्ट कर लूँगी। ये देखें, ये मेरा पहला पेठा। और फिर से नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब भी मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हार्वेस्ट करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप ये देखें, आप लोग यहाँ देखें, आज मैंने इसे हार्वेस्ट कर लिया है और ये नया पेठा बनना शुरू हो गया है। और मैंने इसमें आप लोगों से शायद शेयर भी किया था कि मैं इसमें हैंड पॉलिनेशन करूँगी, और वही मैंने किया भी, क्योंकि इसमें मेल फ्लावर बहुत कम दिख रहे थे मुझे, तो इसलिए मैंने हाथों से ही। और ये देखें, ये एकदम से पॉलिनेट हो गया है और ये बढ़ना शुरू हो गया है, तो ये दूसरा बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये देखें इस मोटी सी तार पे जा रहा है, इसलिए इसे मैं बड़ा होने दूँगी। और अभी इस स्टेज पर मैं इसे कवर करके रखूँगी कपड़े से, क्योंकि ये स्टेज बहुत नाजुक होता है। इसी समय फ्रूट फ्लाई जो भी होते हैं इसमें अंडे दे देते हैं अपने, क्योंकि इसकी ऊपर की स्किन बहुत नाजुक होती है, इसलिए इस समय प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसे एक हाथ से पकड़ी हुई हूँ, यकीन जाने बहुत हैवी है ये। यहाँ देखें, ये लाल वाले जो एमरेंथ साग होता है वो है, और मैं छोटे छोटे जैसे देखें इसमें सीड प्रोड्यूस होने लगा है। तो इस तरह से जब ये सीड मैच्योर हो जाते हैं तो मैं इधर उधर बिखेर देती हूँ इनको, इनके सीड को। तो देखें, एक गमले में ये अपने आप ही उगाया है, कभी मैंने डाल दिया होगा इसमें, ये देखें एक दो। तो ऐसे आपके पास अगर स्पेस ना हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसे भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। काफ़ी हेल्दी प्लांट है ये, बहुत बढ़िया है और सॉफ्ट भी है। ये देखें इस तरह से, अगर आपके पास कम हो तो आप दाल में डाल के भी इसका यूज़ कर सकते हैं, सब्जियों में डालने बहुत अच्छे होते हैं। और भी है यहाँ 3-4 सीड। मैं ऐसे ही, आप लोग भी कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि इसमें आपको प्रॉपर उगाना है। अगर इस तरह से जैसे फ्लावर प्लांट लगे हुए हैं, कहीं भी थोड़ा सा स्पेस मिले इसे डाल दें, ये कहीं भी हो जाते हैं। और देखें, एक भी पत्ती इसकी कितनी हेल्दी है, एक भी कीड़े का अटैक नहीं है इस पर, बहुत स्वस्थ पौधा है। और यहाँ देखें, यहाँ इनके साथ साथ ये भी कुछ जो वाइल्ड वाले होते हैं वो भी उगाते हैं, लेकिन उनको भी मैं इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उनका टेस्ट ज़्यादा बेटर होता है। ये तो हाइब्रिड वाले हैं, आप देखें जिनकी बड़ी पत्तियाँ होती हैं वो तकरीबन वो सारे हाइब्रिड होते हैं, लेकिन छोटी छोटी पत्तियों वाले जो होते हैं वो देसी होते हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए जो अपने आप उग जाएँ उनको भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं
हर टाइम हर साल मालाबार स्पिनिच जरूर लगाती हूँ और इसमें सीड हो जाते हैं जिनको मैं रख लेती हूँ और हर सीजन पे कुछ कुछ टाइम बाद मैं उन्हें डालती जाती हूँ जहाँ भी मुझे स्पेस मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना बढ़िया प्लांट है, इजी ग्रोइंग है और कहीं भी एक किनारे में आप डाल दें तो ये चलते रहते हैं, अपने आप अपना सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। देखें मैंने सपोर्ट नहीं किया है, अपने आप यहाँ पे एक रस्सी आ रही थी नीचे जो मैंने टमाटर के प्लांट के लिए रखे हुए थे और इस पर ये अपने आप ही चढ़ता चला गया। और देखें और इसकी लीव्स दिखाना चाहूँगी आपको, कितने स्वस्थ और हेल्दी लीव्स हैं वो देखें। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने का मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात रिपीट करती रहती हूँ क्योंकि हमारे जो नए व्यूअर जुड़ते हैं उन सब तक ये बात पहुँचे कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने का एक अपना ही उसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस है और शुरू में आपको रिज़ल्ट थोड़ा स्लो मिलते हैं जिसमें हम घबरा जाते हैं कि शुरुआत में इतनी मेहनत कर रहे हैं हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं तो आपको इस तरह की आपकी मिट्टी दिन ब दिन अच्छी होती जाएगी और एक ऐसा क्लाइमेट डेवलप आपके आसपास एक ऐसा क्रिएट होने लगता है क्लाइमेट जिससे आप जितने भी तरह के प्लांट लगाए हुए हैं वो अपने आप ही अपनी केयर करना शुरू करते हैं एक दूसरे का सपोर्ट करके। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब मेरा ये प्लांट इतना मैच्योर हो गया है कि ये सीड भी प्रोड्यूस करने वाला है, ये देखें। और मैंने कभी आप लोगों को बताया था कि इसके सीड को भी आप सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं इसके सीड स्पेशली एक रीज़न से छोड़ती हूँ, वो ये है कि चिड़ियाँ इसे बड़ा पसंद करती हैं। जब ये सीड पकने लगते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम इस पर चिड़ियों को देखेंगे, वो इसे खाने आती हैं और जो वो सीड बिखेरती हैं उससे मुझे बहुत सारे प्लांट नए नए प्लांट मिल जाते हैं जिसको मैं इधर उधर लगा देती हूँ। मैं स्पेशली इसको कभी नहीं लगाती, एक बार लगाने के बाद ये हमेशा यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो देखें आप इसकी लीव्स को देखें, कितनी बड़ी बड़ी लीव्स हैं और ये किसी केमिकल का इसमें कोई यूज़ नहीं है। तो विदाउट केमिकल भी अगर हमें इस तरह का रिज़ल्ट मिलता है तो क्यों हम केमिकल के पीछे भागें। अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्रेश तोड़ें और इस्तेमाल करें। इनको भी आप दाल में यूज़ कर सकते हैं, इनकी सब्जी बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पालक जैसी कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं, लीव्स दिख रही हैं, ये पालक नहीं है, ये स्विस चार्ड है जो सैलड में यूज़ की जाती हैं। और आप देखें कि कितना बढ़िया इसका ग्रोथ हो रहा है, बहुत हेल्दी इसकी लीव्स हैं। लेकिन इसमें यही है कि इसके लीव्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि कीड़ों का अटैक बहुत हो जाता है। और इधर मैं अपने काम में इतना बिज़ी थी, छठ था, दीपावली था, इस वजह से मैं इधर ध्यान नहीं दे पाई। तो आप देखें यहाँ पे कीड़ों का भी अटैक हो गया, ये देखें ये सारी पत्तियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं। और आप यहाँ पे अगर पास से देखें तो आपको यहाँ पे देखें कीड़े किस तरह से इसमें छोटे छोटे कैटरपिलर जैसे कीड़े हैं, देखें आपको ये खाते हुए भी दिख जाएंगे। तो इन सब से बचने के लिए नीम ऑयल का छिड़काव करते रहना है। अगर मैंने नीम ऑयल का छिड़काव किया होता तो ये देखें ये लीफ देखें किस तरह से वो खाते हैं इन्हें, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अदरवाइज़ कभी कभी तो ऐसा होता है कि अचानक ही आप देखेंगे कि आपके सारे लीव्स गायब हो गए हैं। तो इससे बचने के लिए ये छिड़काव ज़रूर करें। और इसमें एक ख़ास बात है स्विस चार्ड में कि आप ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और जैसे इसकी जो बड़ी बड़ी लीव्स हैं साइड से बस उसी को हार्वेस्ट करते रहें और थ्रू आउट आपको इससे ये लीव्स मिलते रहेंगे। ये जो अब बेबी लीव्स हैं ये सारे बड़े हो जाएंगे और हमें साइड साइड से ये सॉफ्ट वाले, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत मीठे होते हैं खाने में, तो इसको ज़रूर लगाएं। मैंने बहुत कम, मैं जस्ट देखने के लिए लगाई थी कि ये उगता है या नहीं, लेकिन आप देखें बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो विंटर में पूरे विंटर आप इसको लगा सकते हैं। इसके सीड किसी भी सीड भंडार या फिर किसी भी नर्सरी में आपको इजीली अवेलेबल है, पहले नहीं मिलते थे लेकिन आजकल हर स्टोर में मिलते हैं। और हाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैंने इसके सीड ऑनलाइन मंगाया था लेकिन इसमें बहुत कलरफुल भी आते हैं, जैसे इसमें येलो कलर भी होते हैं और
रेड कलर भी होते हैं, उन्होंने ऐसा ही बोल के दिया था, लेकिन मुझे सिर्फ ये ग्रीन कलर वाले ही निकले हैं। तो मुझे लगता है कि कभी कभी ऑनलाइन परचेज करने में ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि मुझे इतनी हेल्दी और फ्रेश सब्जियाँ मिली हैं। देखिए यहाँ मैंने ये अचारी मिर्ची लगा रखी है और बहुत बढ़िया ये हो भी रहे हैं। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं इन तीनों को हार्वेस्ट कर लूँ ताकि इसमें नए नए बड बने और मुझे और ढेर सारी मिर्चियाँ मिले। तो ये सब आप ये मिर्ची भी बड़ी सुंदर भी लगती हैं दिखने में, तो ये सब लगाएं, ये सीज़न बहुत अच्छा है, आप ये सब लगा सकते हैं। सॉरी मेरी एक ब्रांच देखें टूट गई, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से दो तीन और ब्रांच निकल जाएंगी। देखें ये, देखिए ये तीन मिर्ची मिल गई, कितनी फ्रेश और बढ़िया है। कुछ कटिंग से यहाँ पे ये पुदीना लगाया था और आप देख सकते हैं, ये देखें कितना बढ़िया ये हो रहे हैं इस मौसम में भी, जबकि पुदीना हमेशा इतने अच्छे हेल्दी और ग्रीन नहीं रहते हैं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस समय भी ये चल रहे हैं और बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि मैं जो दूसरे जगह पुदीना लगाई हुई थी वहाँ इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसीलिए आप नए नए कटिंग लगाते रहें। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, जो पुराना जैसे जैसे प्लांट होता जाता है वैसे वैसे थोड़ा सा उसमें इतना चार्म नहीं रहता, लेकिन अगर नए नए कटिंग लगाते रहते हैं हम तो आपके गार्डन से ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, अचानक मरेंगे नहीं। और ये मैं बार बार कहती हूँ कि ये सब कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप हमेशा अपने बगीचे में लगे रहें, ये सब काम करते रहें, तो फिर ये शिकायत दूर हो जाएगी कि हमारा तो पुदीना मर गया, ग्रो ही नहीं हो रहा है, ये सब शिकायतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए गार्डनिंग एक जब हम करते हैं तो हम वो पीस वो खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन जब हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं तो हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, और अगर कोई प्लांट मर भी जाता है तो आप प्लीज़ दुखी ना हो, अल्टरनेट सोचें, क्विक एक्शन लें और अलग अलग इस तरह से कटिंग कंटिन्यूस लगाते रहें। ये भी मैं थोड़ा ले लूँगी क्योंकि ये काफ़ी नीचे तक लटक आए हैं, तो हार्वेस्ट करते रहने से प्लांट भी कहीं ना कहीं हेल्दी रहता है। ये देखें कितना बढ़िया, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और ये वाला जो पुदीना है ना, ये मेरे छोटे पत्तों का है, तो ये इसकी फ्रेग्रेंस और ज़्यादा होती है, बहुत बढ़िया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम यहीं से मेरे वीडियो की शुरुआत होती थी, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि मेरा जो बहुत बड़ा शुगर केन आप लोग देखते थे वो अब नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली थी, छठ में मैंने उसे भगवान को चढ़ा दिया। और मुझे बाद में जब शुगर केन मेरा काफ़ी बड़ा हो गया उसके बाद मैंने देखा था कि ये छोटे छोटे वाले ये नए नए शूट निकले थे, उसमें बहुत खुशी भी हुई क्योंकि इस बार का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग था। काफ़ी टाइम हो जाने के बाद पिछली बार जब मैंने शुगर केन लगाया था तो उसमें एक ही बार बहुत सारे स्प्राउट्स निकले थे, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हुआ। इस बार जब शुगर केन थोड़े बड़े हो गए उसके बाद ये छोटे छोटे अभी निकल ही रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, देखें मैंने यहाँ से सारी हार्वेस्टिंग कर ली है, लेकिन यहाँ पे देखें एक छोटा सा शूट निकल रहा है, और ये देखें ये बड़े बड़े शूट हैं, और इधर भी आप देखेंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे निकल रहे हैं। तो इस तरह से एक बार हार्वेस्ट कर लेने के बावजूद भी इसमें से शूट निकलते रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। मुझे इस तरह की चीज़ें इसलिए भी बहुत पसंद हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अगर आप एक बार लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार हमें हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।